हाँ जी, एक और न्यू वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जीवों में जनन। जस्ट आगे वाला चैप्टर है, क्या है, जीवों में जनन। छोटा छोटा करके अपन इसको ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल इजी वे में ख़त्म करेंगे अपन। छोटे छोटे लेक्चर में एक साथ अपन ख़त्म नहीं करेंगे, दो दो पाँच पाँच मिनट के लेक्चर लेके अपन इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और ख़त्म कर देंगे। देखो, इसके लिए सबसे पहले आपके एग्जाम में भी कई बार आया होगा कि जनन किसे कहते हैं, क्या होता है जनन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन देखते हैं जनन। जनन मुख्य रूप से जो होता है कि जीवों के द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करना, यानी कि वे जो, जैसे बात करें कि पशु होते हैं, जैसे गाय भैंस होते हैं तो उसके ही जैसे गाय भैंस पैदा होते हैं, पक्षी होते हैं तो उसके ही समान पक्षी पैदा होते हैं, मनुष्य तो मनुष्य में भी उसी के समान ही मनुष्य पैदा होते हैं, यानी पैदा करना ही आपका जनन कहलाता है। नॉर्मल बात ये, क्या लिखेंगे, जीवों में अपने ही समान संतति उत्पन्न करना। क्या है, संतति उत्पन्न करना, संतति उत्पन्न करना, क्या लिखोगे आप, यहां चल रही होगी, देख लेना, जीवों में अपने ही समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक बात है, जनन के दौरान मुख्य जो घटना होती है, आप लिख लेना, जनन के दौरान मुख्य घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति यानी फोटोकॉपी बनाना है, यानी कहने का मतलब मेरा कोई नया जीव पैदा होगा मेरे, मतलब मेरे जनन के दौरान, तो मेरी ही कोई फोटोकॉपी बनेगी। समरूप तो नहीं होंगे लेकिन बहुत सारे लक्षण सेम होंगे, ठीक है। तो डीएनए की प्रतिकृति बनाना होता है, ये आपके हो गया जीवों में जनन। चलिए ठीक है, ये जो जनन होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल, यानी एक तो लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ओके, थैंक यू। अभी इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे जनन के प्रकार और पूरा उसको खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।